ये हमारा ग्रुप है, अहमद भाई, काश भाई, जीरो ब्रांड, डेट वॉज क्रेजी। ये अहमद भाई बैठे हैं, रात को हम इधर ठहरे थे, तो अभी हम जाएंगे अड़ंगकेल इस डोली के थ्रू। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि आठ आठ बंदे बैठते हैं, तो थोड़ा सा रश है इधर। ये दरिया नीलम है, ये भी वापस आ रही है। ओ देखे सामने, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, हम डोली के थ्रू जाएंगे अड़ंगकेल। तो उधर से बंदे आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, उधर टूर वाले जो ट्रिप पे आए हैं, विज़िट करने आए हैं, घूमने फिरने आए हैं। तो अभी थोड़ा सा रश है, तो हमारी बारी अभी आ जानी है कुछ देर तक। आठ से दस बंदे बैठते हैं, मेरी तरह के तो दस बैठ जाते हैं, बाकी नॉर्मली आठ बैठते हैं इसमें। तो ये आर्मी वालों ने लगाई है, इधर के जो हर रहायशी हैं वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं, लेकिन हम इसमें पर पर्सन 300 रुपये में जा सकते हैं। लो जी, आ गई हमारी बारी। तो अहमद भाई बैठ रहे हैं, उसके बाद उनकी साथ दोस्त आई थी, ये हमारा टूर गाइडर है। बस कर दो, अभी हम बैठ चुके हैं, नीचे नज़ारा देखिए गाइस, नीचे घर नज़र आ रहे हैं, उसके बाद दरिया नीलम। ये अभी हम पहुंचने वाले हैं, बस ये पीछे से देख लें। लो फाइनली गाइस पहुंच गए, उसके बाद ये हम ऊपर आ चुके हैं, बहुत मुश्किल से ऊपर आए हैं। वो सामने जो मैंने अभी आपको जूम करके दिखाया, उधर से हम आए, तो ये ऊपर जाने की पिक्चर थी। उसके बाद ये हम इंतज़ार कर रहे हैं जो पीछे रह गए हैं, क्योंकि हमने ट्रैकिंग की है, थोड़ा सा ऊपर आए हैं, ये हमारा उधर थोड़ा सा इंजॉयमेंट हुआ। उसके बाद ये देखें माशाल्लाह, इतने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर इन्होंने होटलिंग वगैरह की हुई है। उसके बाद माशाल्लाह अड़ंगकेल बहुत ही प्यारा था, हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया उधर। ये पहाड़ है, इसको कश्मीर का कोना भी कहा जाता है, जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं उसके दूसरी साइड पे सारा इंडिया है। ये वहाँ ने इधर कैंपिंग की हुई है, होटलिंग है, कैंपिंग है, ये देखें। ये अहमद भाई जा रही हैं और अली भाई जा रही हैं, ये देखें माशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, प्लेस ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये लगा लें कि कश्मीर का कोना है और पाकिस्तान का भी, आगे कुछ भी नहीं है, आगे सिर्फ और सिर्फ पहाड़ हैं, पहाड़ों के उस पार इंडिया है सारा। ये उसके पार सारा इंडिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।